जैसा कि हम सभी भलीभांति परिचित हैं कि आज के आधुनिक समय में हृदय रोगियों की संख्या में काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कुछ वर्ष पहले हृदय रोगों को सिर्फ विकसित देशों और संपन्न लोगों की बीमारी माना जाता था और ये एक धारणा थी कि हृदय रोग जो है वो सिर्फ अमीर व्यक्तियों को ही होता है, जो कि पूर्णतः गलत है। और आज के वर्तमान समय में अगर हम पश्चिमी देशों से या विकसित देशों से अपने विकासशील देश की, हमारा देश भारत है, की तुलना करें तो हमारे यहाँ हृदय रोगियों की संख्या विकसित देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है और ना सिर्फ ज़्यादा है बल्कि ये संख्या दिन प्रतिदिन काफ़ी तेजी से बढ़ भी रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। हृदय रोगों में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि समय से इसकी पहचान होना या समय से इसके लक्षणों को पहचानना और समय से इसका उपचार होना, क्योंकि अगर हृदय रोगों का समय से उपचार हो जाता है, खासतौर से हृदयाघात या हार्ट अटैक का, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा उन 5 लक्षणों के बारे में कि अगर ये 5 लक्षण किसी भी व्यक्ति को महसूस होते हैं तो ये उसके हृदय रोगी होने की तरफ इंगित करते हैं और उसको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए कि अगर वो ये 5 लक्षण महसूस करता है तो उसको ये समझना चाहिए कि उसके हृदय में कोई ना कोई दिक्कत है और उसका हृदय सही से कार्य नहीं कर रहा है और अब उसे अपने जीवन शैली में परिवर्तन की तुरंत आवश्यकता है और किसी एक अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श की तुरंत आवश्यकता है। तो अगर इन 5 लक्षणों में हम सबसे प्रथम लक्षण की बात करें तो वो है चेस्ट पेन, सीने में दर्द या छाती में दर्द। तो अगर किसी व्यक्ति के सीने के बीचों बीच में दर्द होता है और काफी तीव्र और असहनीय दर्द होता है और इस दर्द की खास बात ये होती है कि ये दर्द चलने फिरने पे, कोई कार्य करने पे, जैसे जीना चल रहे हैं आप, कोई वजन उठाकर चल रहे हैं या कोई लंबी दूरी पैदल तय कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी कार्य जिससे कि हार्ट पर जब जोर पड़ता है, हार्ट की ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड जब बढ़ती है ऐसा कार्य करने पे, तो हार्ट की मसल्स में पेन होता है क्योंकि हार्ट की नलियों में रुकावट होने की वजह से, धमनियों में रुकावट होने की वजह से उस मात्रा में ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई हार्ट की मसल्स को नहीं पहुंच पाती है, मांसपेशियों को, और हार्ट की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा दर्द महसूस हो रहा है जो कि सीने के बीचों बीच में काफ़ी तीव्र है और कोई भी कार्य करने पे ये दर्द बढ़ जा रहा है और आराम करने पर या सॉर्बिट्रेट की गोली को जीभ के नीचे रखकर चूसने पर इस दर्द में आराम मिल रहा है, तो ये जो है दर्द हृदय के दर्द की तरफ इंगित करता है और ये बताता है कि आपके हृदय की धमनियों में, जिससे कि हृदय की मांसपेशियों को ब्लड की सप्लाई होती है, उसमें रुकावट की संभावना है। अच्छा, ये दर्द जो है प्रायः ये देखा गया है कि सीने के बीचों बीच से शुरुआत होकर काफ़ी तेज भारीपन महसूस होगा व्यक्ति के लिए, मरीज के लिए। दर्द के साथ साथ जो है काफ़ी तेज पसीना भी आता है हृदय के दर्द में और ये दर्द बाएं हाथ की छोटी उंगली की तरफ जो है रेडिएट होता है, जाता है, और अगर हम ऊपर के हिस्से की बात करें तो ये दर्द जबड़े तक जो है काफ़ी तेज महसूस होता है और व्यक्ति को ये दर्द इतना असहनीय या तीव्र होता है हार्ट अटैक के केस में कि उस व्यक्ति को ये लगता है कि इस दर्द की वजह से हमारी जान निकल जाएगी और उसमें एक सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, मतलब कि उसको ये एहसास होने लगता है कि अब हम अगर ये दर्द ठीक हमारा नहीं हुआ तो हम कुछ ही क्षणों में जो है हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो अगर इस तरीके का दर्द किसी व्यक्ति को हो रहा है तो उसे तुरंत जो है किसी अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श की आवश्यकता है। अच्छा, दर्द के बाद अगर हम जो दूसरा इम्पोर्टेंट या जो दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है जो कि हृदय रोगों की तरफ इंगित करता है, वो है सांस फूलना। तो अगर किसी व्यक्ति की सांस फूल रही है और ये सांस प्रायः जो है चलने फिरने पर फूल रही है या फिर कोई कार्य करने पर फूल रही है, तो ये भी हृदय रोगों की तरफ जो है इंकित करती है और हृदय रोगों की तरफ इशारा करती है। और ऐसे व्यक्ति के साथ जब वो कोई कार्य करेगा, जैसे जीना चढ़ेगा, चढ़ाई चढ़ेगा या कोई वजन उठाएगा, तो उसकी सांस फूलने लगेगी और जब वो आराम करेगा या फिर कार्य करने से रुक जाएगा तो उसको सांस में तुरंत आराम मिल जाएगा। अच्छा, ये भी प्रायः देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को सांस की दिक्कत तब ज़्यादा होती है जब वो रात में
अपने बिस्तर पर जब लेटते हैं, तब लेटने के कुछ व्यक्तियों को जिनमें हृदय रोगों की गंभीरता ज़्यादा होती है तो लेटने के तुरंत बाद एकदम घबराहट बेचैनी होने लगती है, सांस फूलने लगती है और वो उसकी वजह से उठ के बैठ जाते हैं। और कुछ व्यक्तियों में एक दो घंटे सोने के बाद उनको अचानक जो है बेचैनी महसूस होती है, सांस फूलना महसूस होता है और वो इतना ज़्यादा होता है कि उनकी इच्छा होती है कि घर के सभी खिड़की दरवाजे या तो खोल दिए जाएं तब उनको आराम मिलता है, या फिर उनकी इच्छा होती है किसी बाहर खुले मैदान में हम चले जाएं जिससे कि हमें सांस में आराम मिल जाए। तो इस तरीके की अगर सांस फूलने की समस्या है तो ये भी हृदय रोगों की तरफ इंगित करती है और ये बताती है कि आपको हृदय की समस्या हो सकती है। अच्छा, तीसरी जो महत्वपूर्ण समस्या है, जो महत्वपूर्ण लक्षण है जो कि हृदय रोगों की तरफ इशारा करता है, वो है अपच का होना, पेट में भारीपन लगना, लगातार गैस की शिकायत बनी रहना। कुछ लोगों में शिकायत होती है कि उनके पेट में हमेशा भारीपन बना रहता है, अपच की शिकायत रहती है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, एक अजीब सा सेंसेशन उनके लिए महसूस होने लगता है और ये दिक्कत तब ज़्यादा हो जाती है जब वो खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद उनको ये दिक्कत होने लगती है। और कुछ व्यक्तियों में जब वो खाना खाने के तुरंत बाद कोई कार्य करते हैं या चलते फिरते हैं तो उनको तुरंत सीने में दर्द होने लगता है, जिसको कि हम पोस्ट प्रांडियल एंजाइना भी कहते हैं, जो कि खाने के तुरंत बाद चलने फिरने पर होता है। तो ये समस्या भी हृदय रोगों की तरफ इशारा करती है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको गैस की और पेट की समस्या से जोड़ के देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये समस्या जो है एक हृदय रोग की वजह से या हृदय की मांसपेशियों में जो ब्लड की सप्लाई हो रही है उन धमनियों में रुकावट की वजह से है। तो अगर किसी को इस तरीके की समस्या लगातार बनी हुई है तो भी मेरी ये सलाह है या परामर्श है कि वो अपने किसी अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ से मिले, जिससे कि समय से उसका उपचार किया जा सके। अच्छा, जो चौथा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट लक्षण है जो कि हृदय रोगों की तरफ इशारा करता है, वो है घबराहट है बेचैनी का। कुछ व्यक्तियों में, खासतौर से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या जिनकी एज ज़्यादा होती है, उसमें एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, या खासतौर से जो फीमेल पॉपुलेशन हमारी जो औरतें हैं उनमें भी इस तरीके की समस्या होती है कि अचानक बहुत तेज घबराहट होगी और बहुत बेचैनी होगी जो कि एकदम अचानक स्टार्ट हो जाएगी, जिसका कि कोई कारण उन्हें समझ में नहीं आएगा और वो बेचैनी और घबराहट इतनी ज़्यादा होगी कि उनको ये लगने लगता है कि अब हमारी जो है बिल्कुल जान निकल जाएगी या हमारे जीवन का जो है अंतिम समय आ गया, इतनी तेज घबराहट उनके लिए होती है। तो अगर ऐसी घबराहट के साथ साथ बहुत तेज पसीना अगर आ रहा है किसी व्यक्ति के लिए, या उसके सीने में दर्द हो रहा है, या सांस फूल रही है और साथ में घबराहट भी हो रही है, तो ये जो है हृदय रोगों का एक बहुत ही मुख्य लक्षण है और ये अति गंभीर हृदय रोगी जो होते हैं उनमें इस तरीके की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी मेरी सलाह है, मेरा परामर्श है कि वो अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से मिल लें, जिससे कि समय से जांचें हो सके और इनकी बीमारी का पता चल सके, जिससे कि समय से उपचार भी हो जाए। अच्छा, जो पांचवा महत्वपूर्ण लक्षण है जो कि हृदय रोगों की तरफ इशारा करता है, वो है धड़कन का तेज होना, है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में पैल्पिटेशंस भी कहते हैं। तो कुछ व्यक्तियों को काफ़ी तेज़ धड़कन महसूस होती है, इतनी तेज़ धड़कन महसूस होती है कि वो व्यक्ति कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि सीने में एकदम कोई दौड़ सा लगा रहा हो और काफ़ी तेज़ उनको ये हृदय की धड़कन हो जाती है। तो अगर ये हृदय की धड़कन तेज़ होने के साथ साथ अनियमित भी होती है तो भी ये हृदय की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, हृदय के बॉल में प्रॉब्लम, जो बेल्ब होते हैं विभिन्न चैम्बर्स के बीच के जो रास्ते होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है और हृदयाघात में भी इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो ये भी हृदय रोगों की तरफ इशारा करते हैं, हृदय रोगों को इंडिकेट करते हैं। और तो इन व्यक्तियों को भी मेरा परामर्श है कि वो अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलें और उचित समय पे अपना उपचार जो है वो करा लें। तो कुल मिला के अगर किसी व्यक्ति को ये पाँच लक्षण महसूस होते हैं, सीने में दर्द का, सांस फूलने का, घबराहट बेचैनी होने का, सीने में धड़कन जो है काफ़ी तेज होने का, या पेट में समस्या होने का, अपच होने का, पेट में भारीपन महसूस होने का लक्षण महसूस होता है, तो वो अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलें और समय से अपनी सभी जांचें कराएं। और अगर हृदय रोगों की समस्या निकलती है तो उसका समय से उपचार करें और अपनी जीवन शैली में जो यथोचित बदलाव है उसके लिए लाएँ।